गुड आफ्टरनून। आज हम BBA थर्ड ईयर में मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो सब्जेक्ट है उसका ब्रीफ यूनिट वन का रिकैप कर रहे हैं, और आप इस वीडियो को सुनेंगे। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड थ्योरी का PDF में डाल दूंगा। मेरे हाथ में ब्रिलियंट की बुक है, यह आपको रतलाम में भी अवेलेबल है, जहाँ भी आप रहते हैं इसको ख़रीदें और अच्छे से स्टडी कीजिए। सारा कंटेंट मैंने इसी बुक से बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। देखिए, मर्चेंट बैंकिंग कौन है? मर्चेंट बैंकिंग वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बड़े बिजनेस हाउस को फंड्स को मैनेज करने में मदद करता है। पहली बात क्या हुई, वो मदद करता है, वो इंटरमीजरी है, बिचौलिया है या मध्यस्थ है। क्या काम करता है? बड़े बिजनेस हाउस को फंड्स को रेज करने के लिए उनको मदद करता है। तो मर्चेंट बैंकिंग वो बैंक नहीं है जो हम रतलाम में देख रहे हैं, जो डे टू डे ऑपरेशन कर रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, हाउसिंग लोन, रिटेल फाइनेंस। नहीं नहीं नहीं, ये वो बैंक नहीं है। ये स्पेशलाइज्ड बैंक हैं मर्चेंट बैंकर, जिनका काम क्या होता है, जिनका बेसिक काम ये होता है, दीज बैंक्स आर हैविंग द सर्विसेज ऑफ इशू मैनेजमेंट। ये बैंक्स जो हैं वो इशू मैनेजमेंट, जो शेयर्स IPO के थ्रू अपन लेके आते हैं, उससे रिलेटेड सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, को मैनेजर और अंडरराइटर का जो काम करते हैं। तो कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? मर्चेंट बैंकर वो है जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका एक स्पेसिफिक काम है, वो इशू मैनेजमेंट का काम करता है, बड़े बिजनेस हाउस को फंड्स रेज करने में मदद करता है थ्रू IPO। और इसके अलावा उसके जो एडिशनल फंक्शन हैं वो हैं एडवाइजरी सर्विसेज, सलाह देना, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कि भाई आप शेयर से ले रहे हो, डिबेंचर से ले रहे हो, कन्वर्टेबल बॉन्ड से ले रहे हो, ट्रेजरी बिल से ले रहे हो, कमर्शियल पेपर से ले रहे हो, ये फंड्स के अलग अलग मोड है, उसमें मदद करता है, उनकी वेल्थ को मैनेज करता है, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है, स्टॉक ब्रोकिंग का काम करता है। ये इनके क्या हैं, नेचर बोल दो, फंक्शंस बोल दो, ये बेसिकली इनके फंक्शन हैं। इंडिया में सर दो तीन नाम बता दीजिए मर्चेंट बैंकर का। विदेशी बैंकों में सिटी बैंक एक एग्जाम्पल है, इंडिया में SBI का एक यूनिट है वो ये काम करता है, ICICI बैंक भी यही काम करता है, IDBI बैंक भी यही काम करता है, इसके अलावा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी मर्चेंट बैंकिंग का काम करता है। तो जब थ्योरी लिखें तो इन बैंक्स के नाम भी आप उसमें ऐड कीजिए। अगली बात है, इसका स्कोप क्या है? तो पहली बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं स्कोप की, तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है इंटरनेशनल बैंकिंग। व्हाट डज इट मींस, पहले पढ़ देता हूँ स्कोप ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग, ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज, कैपिटल रेजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीजिंग सर्विसेज। सरल सरल पॉइंट्स को समझाते चलें। इंटरनेशनल बैंकिंग देखिए क्या है, मर्चेंट बैंक्स ऑफन हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस एंड प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज। इनकी पूरी दुनिया में प्रेजेंस होती है, तो ये एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर आपको बैंकिंग सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। दिस इंक्लूड्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ट्रेड फाइनेंस, फॉरन एक्सचेंज सर्विसेज। फॉरन एक्सचेंज सर्विसेज आप समझते होंगे, ये काम करते हैं। ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज क्या होता है, मर्चेंट बैंकर इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़, कमोडिटीज़ एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उनका काम करते हैं। कैपिटल रेजिंग, मैं काफ़ी देर से बोल चुका हूँ, IPO लाने के लिए जो सारे मैनेजमेंट किए जाते हैं उससे रिलेटेड, जिसको इशू मैनेजमेंट बोला जाता है, उससे रिलेटेड काम कौन करता है, मर्चेंट बैंकर करता है। फिर लिखा है इसके अलावा क्या और काम हो सकता है, कैपिटल रेजिंग। मर्चेंट बैंक असिस्ट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट्स एंड अदर एंटिटीज़ इन रेजिंग कैपिटल। यही तो बात है, मर्चेंट बैंक का सबसे बड़ा रोल क्या है, फंड्स को रेज करना थ्रू कैपिटल मार्केट। तो चाहे इंस्टीट्यूशन कोई सा भी हो, उसको मर्चेंट बैंकिंग का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जरिया है जिसके थ्रू आप इशू मैनेजमेंट या फंड्स मैनेज करने का काम करते हैं। दे हेल्प क्लाइंट्स टू एक्सेस कैपिटल मार्केट, वो आसानी से उनको कैपिटल मार्केट में एक्सेस करने में मदद करता है, ताकि वो फंड्स IPO के थ्रू रेस कर सकें। अगला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मर्चेंट बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देयर क्लाइंट्स प्रोजेक्ट एंड गाइडिंग देम थ्रू वेरियस आस्पेक्ट्स सच एज सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट, कंडक्टिंग द फिजिबिलिटी स्टडीज, मतलब प्रोजेक्ट सही है या नहीं है, प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है, इस पे आगे बढ़ना है कि नहीं, मतलब प्रोजेक्ट से संबंधित वो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एक है लीजिंग सर्विसेज,
In addition, in their regular services, these banks provide leasing options for their customer. Leasing is a legal contract between two parties where one person allows another to use their equipment for a fee. Merchant bank assist by कनेक्टिंग कस्टमर्स विद लीजिंग कंपनीज. मर्चेंट बैंकर फिर वही बिचौलिया हो गया, अलग अलग लीजिंग कंपनी को प्लेटफॉर्म पे लाता है और वो डील करने में क्या करता है, मदद. तो अगर जितना मैंने पढ़ाया उसमें अगर आप मर्चेंट बैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो मर्चेंट बैंकिंग एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करता है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अंडररराइटिंग करता है, ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ये नॉर्मल बैंकिंग से थोड़ा अलग होता है. इसके अलावा इसके जो नेचर और स्कोप हैं वो क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रेजेंस दिखाता है, ब्रोकरेज और ट्रेडिंग का काम भी करता है, कैपिटल रेस करने में मदद करता है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, प्रोजेक्ट के बारे में उसकी फिजिबिलिटी को चेक करना वो भी उसका काम है, लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना मतलब अलग अलग कंपनी को उसको लाता है, उनको कोलेबोरेट करता है और उनको फैसिलिटेट करता है. कोई पूछे सर ये मर्चेंट बैंकिंग के काम क्या है, अगर मान लीजिए आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि काम क्या है, तो अगर आपने ये दोनों पॉइंट भी जोड़ दिए तो भी काम ही है, वही नेचर वही स्कोप इसका काम है, सिर्फ उसका क्या हो रहा है, नॉमिनिक्लेचर बदल रहा है. चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं. कॉरपोरेट काउंसलिंग, भाई वही तो बात हो गई, कॉरपोरेट काउंसलिंग ही तो एडवाइजरी सर्विस हुआ कि अलग अलग कॉरपोरेट हाउस को रास्ता बताता है आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या आप डेट के थ्रू जाएँ, इक्विटी के थ्रू जाएँ, कमर्शियल पेपर के थ्रू जाएँ, किस तरीके से जाएँ, राइट इशू के थ्रू जाएँ, ये एडवाइस करने का काम है. तो इसको बोलते हैं कॉरपोरेट काउंसलिंग. काउंसलिंग का मतलब सलाह देना किसको, बड़े बिजनेस हाउस को, काय के लिए, फंड्स मैनेजमेंट के लिए. दूसरा है प्रोजेक्ट काउंसलिंग, मैंने भी बताया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो जो वहाँ पढ़ा है वही सब चीज़ें हैं. अगला है लोन सिंडिकेशन. देखिए क्या होता है, किसी एक बैंक से लोन नहीं मिल सकता, पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है तो 5-7 बैंकों को मैनेज करते हैं और फिर वो बैंक मिलकर उस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं. इसको बोलते हैं लोन सिंडिकेशन. मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा से मैनेज करना है तो मर्चेंट बैंकिंग क्या करेगा, एक बैंक इतना प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसकी रिस्क बढ़ जाएगी, तो 4-5 बैंकों को वो अरेंज करता है और उसके थ्रू लॉन्ग टर्म फंडिंग को वो अवेल करवाता है. इसको बोला जाता है लोन सिंडिकेशन, काफ़ी सारे बैंक्स को अरेंज करना, उनके माध्यम से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की व्यवस्था करना. फिर अगला है लीज फाइनेंस, अभी बात करी थी लीज सर्विस, तो कहने का मतलब जो मैंने पढ़ा है वही सब है. वेंचर कैपिटल, जो खतरनाक प्रोजेक्ट हैं, जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं, जो रिस्की प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पैसे की ज़रूरत है वहाँ ये पैसे देने का भी काम करता है. वेंचर का मतलब था साहस, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रिस्की हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो क्या है, रिस्की है. मैं पढ़ देता हूँ, मैनी मर्चेंट बैंकर्स मेंटेन वेंचर कैपिटल फंड टू असिस्ट द एंटरप्रेनर हु लैक कैपिटल. ऐसे एंटरप्रेनर जिनके पास दिमाग है, आइडिया है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो उनको कोई लोन नहीं देता, तो मर्चेंट बैंकर उनको फैसिलिटेट करते हैं कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लाइए हम आप में फंडिंग करते हैं. ये इस तरह से आपका पूरा फर्स्ट यूनिट का मोस्ट नेचर, स्कोप, फंक्शंस, नेम कवर हो गया. आगे चलते हैं रेगुलेशन. देखिए क्या है मर्चेंट बैंकिंग का रेगुलेशन क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इसके रेगुलेशन के बारे में हम बात करें. पहला दिखा है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन. हर मर्चेंट बैंकर को अपने लिए क्या करना पड़ेगा, लाइसेंसिंग करवानी पड़ेगी. इसका मतलब क्या हुआ सर, ऐसे ही आप शेयर मार्केट की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आपको सेबी के पास जाकर अप्रूवल लेना पड़ेगी. मर्चेंट बैंक्स आर टिपिकली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द नेसेसरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिलेवेंट फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक सेबी. तो बिना उसके काम नहीं कर सकते. कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था, देखिए आप, 4 तरह की कैटेगरी है, जिसकी वर्थ 5 करोड़ की वो मर्चेंट बैंक पहली कैटेगरी की, जिसकी 50 लाख उसकी कैटेगरी दूसरे तरह की, जिसकी 20 लाख उसकी कैटेगरी 3, थर्ड तरह की, जिसकी नहीं उसकी कैटेगरी 4. मतलब कैपेसिटी और हैसियत को देखकर मर्चेंट बैंकिंग की कैटेगरी बनी है. तो वो यहीं पर ही लिख रहा है कैपिटल एडिक्वेसी, उनको इतना नॉर्म्स या फंड्स मेंटेन रखना पड़ता है ताकि वो अपने क्लाइंट को एश्योर कर सके. फिर आगे है प्रूडेंशियल रेगुलेशन. ये क्या चीज़ होती है सर, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस एम्स टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, कि हम अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हमारा रोल बिल्कुल स्पेसिफिक है जो सरकार ने बोला है, हम कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेंगे. मतलब
मतलब हम रेगुलेशंस को क्या करेंगे, प्रूडेंशियल रेगुलेशन, जो कानून बने हुए फिक्स, उसके हिसाब से वो काम करेंगे। अगला है कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। ऑब्वियसली कंप्लायंस मतलब जो इशू ऑफ शेयर, जो IPO आता है उससे रिलेटेड कंप्लायंस को करना, प्रोजेक्ट बनाना, ब्रोशर्स बनाना, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट पूरा करना, फिर उसकी रिपोर्टिंग कंसर्निंग अथॉरिटीज़ को करना, ये सब काम किसके हैं, मर्चेंट बैंकिंग के। तो जो आपका मर्चेंट बैंकिंग नाम का चैप्टर है उसमें बेसिक बात यही है, नेचर स्कोप वही उसका फंक्शन है, फंक्शन ही स्कोप है, स्कोप ही नेचर है। अगर आप मिक्स भी लिख देते हैं देर इज़ नो इशू, नाम ज़रूर याद करके जाइए, सिटी बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, SBI बैंक और आखिरी में कौन है, TCS, ये मर्चेंट बैंकर है लीडिंग। कोई आपसे पूछे थ्योरी पढ़ते समय कि भाई सबसे पुराना मर्चेंट बैंक कौन है भारत का, तो आपको जवाब देना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1972 में बना था। 1972 में भारत का पहला मर्चेंट बैंकर कौन है, SBI। फिर 1973 में सबसे पुराना मर्चेंट बैंकर कौन है, ICICI। ये थ्योरी में अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करेगा। तो 1972 में सबसे पहले मर्चेंट बैंकर कौन बना, SBI। पढ़ देता हूँ, SBI एंड द ICICI वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश मर्चेंट बैंकिंग डिविजन्स इन 1972 एंड 73 रेस्पेक्टिवली। देखिए SBI और ICICI बैंक ने एक डिवीजन बनाया, यूनिट बनाई जो मर्चेंट बैंकिंग का काम करेगा। तो भारत में पहले दो कौन है, 1972 में SBI और 1973 में ICICI बैंक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको रेगुलेट कौन करता है, ऑब्वियसली SEBI गवर्न करती है, SEBI इसको रेगुलेट करती है। अच्छा, मर्चेंट बैंकिंग के डिविजन्स बताइए सर। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले बोला सिटी बैंक, अब देखिए यहाँ पे आ गया फॉरेन बैंक्स। कुछ फॉरेन बैंक्स जो हैं वो मर्चेंट बैंकिंग का क्या करते हैं, काम करते हैं। थोड़े नाम बता देता हूँ आपके लिए, मैंने तो सिंपल एक नाम बोला सिटी बैंक, भाई आपको याद तो रहे, और नाम क्या है, दूसरा नाम है हांगकांग बैंक, ठीक है, बार्कलेस बैंक्स। तो ये दो तीन नाम हैं जो फॉरेन बैंक की कैटेगरी में आते हैं। सर इंडियन बैंक्स में नाम बता दीजिए, इंडियन बैंक्स में नाम बता देता हूँ मैं आपको, SBI हो गया, ICICI हो गया, SBI PSU का है, सरकारी है, और ICICI क्या है, प्राइवेट है। और नाम बताइए सर, एक्सिस बैंक है, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कैपिटल फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, ये सब क्या है, इंडियन बैंक्स है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नाम बता दीजिए, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में किसके नाम बताएंगे, तो देखिए IFCI और IDBI। तो नाम लेना शुरू करते एक एक, पहली वाली में कौन आ जाएगा, सिटी बैंक, सिटी बैंक ये कौन है, फॉरेन बैंक। इंडियन बैंक्स में किसका नाम ले सकते हो, SBI, ICICI, इनका नाम ले लीजिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसका नाम ले सकते हैं आप, IDBI। हैं सब अलग अलग, काम सब एक ही करते हैं, ब्रांचेस सबकी अलग अलग है। सर प्राइवेट मर्चेंट बैंकर का नाम बता दो कोई, तो प्राइवेट मर्चेंट बैंकर में एक है JB वेंचर, क्या नाम है, JB वेंचर। आप इसको ध्यान रखिएगा, जब आप पूरी बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, मैंने देखिए बोला वही है, इसका नाम है JB वेंचर। इसको यहाँ लिख देता हूँ JB फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आप अगर JB भी लिख देंगे और फाइनेंशियल कंसल्टेंट तो भी काम हो जाएगा। तो पहला कौन है, सिटी बैंक फॉरेन बैंक में, दूसरा कौन है इंडियन बैंक में, SBI, ICICI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन है, IDBI, प्राइवेट मर्चेंट बैंक में कौन है, JB फाइनेंशियल कंसल्टेंट। सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जो इसकी मदद करते हैं, सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस, तो देखिए सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस में वही सब बात आ जाएगी कि जो इन यूनिट्स के साथ क्या कर रहे हैं, आपको कोलेबोरेट कर रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये सब सब्सिडरी इंस्टीट्यूशंस हैं। और फिर लिखा है अ डिवीजन विद इन द बैंक, अभी मैंने बोला था ना SBI ने अपना एक यूनिट बनाया, ICICI बैंक ने अपना यूनिट बनाया, इन सब ने कुल मिला के अलग अलग एंटिटी के रूप में काम करा, पर काम काहे का करा है, मर्चेंट बैंक का। तो जरा सा रिवीजन कर लें, ये मर्चेंट बैंकिंग के डिवीजन क्या है, आप मोटा मोटा ये बनाइएगा, एक फॉरेन बैंक है जिसमें सिटी बैंक आती है, इंडियन बैंक है जिसमें SBI, ICICI आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन आ जाता है, IDBI। कोई ऊपर नीचे हो जाए तो आप घबराइए मत, सिर्फ नाम लिख दीजिए, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अलग से कॉमन नाम बना दीजिए, सिटी बैंक, SBI, IDBI, ICICI और आपका उसके बाद TCS, ये आपके क्या हैं, मर्चेंट बैंकर हैं। और इंडिया का सबसे पुराना मर्चेंट बैंकर कौन है, 1972 में SBI और 1973 में ICICI बैंक। और मर्चेंट बैंकर कौन है, जो फंड रेज करने में बड़े बिजनेस हाउस को क्या करे, मदद करे, ठीक है। फिर आगे चलते हम, मर्चेंट बैंक रोल इन प्राइमरी मार्केट, फिर वही बात आ गई, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको बोला जाता IPO,
शेयर्स को रेज, शेयर्स को शेयर मार्केट में लाना, उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर पूरे करने पड़ते हैं। जैसे आपको फिनेंस मिनिस्ट्री से भी अप्रूवल चाहिए, सेबी से भी अप्रूवल चाहिए, बहुत सारी गवर्निंग बॉडी है, फेरा फेमा के रूल्स भी फॉलो करने हैं, है ना। तो ये सब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए जितनी भी तैयारी करनी होती है वो काम कौन करता है? मर्चेंट बैंक करता है। तो मर्चेंट बैंक का रोल क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, इशू मैनेजमेंट का काम करना। राइट इशू, क्या होता है राइट इशू? जिनके पास पहले से ही शेयर्स हैं उनको एडिशनल शेयर देने के लिए, जैसे मेरे पास 100 शेयर हैं और 2 के बदले में 1 दे रहे हैं, तो 50 शेयर और मिल सकते हैं। वो राइट शेयर को भी मैनेज करने का काम कौन करता है? मर्चेंट बैंकर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ये क्या होता है? FPO बोला जाता है इसको, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ये भी एक टर्म है, इसको भी मैनेज करने का काम इसी का है। डेट इशुएंस, वो डिबेंचर्स वगैरह बॉन्ड्स वगैरह इशू करने का। और अंडरराइटिंग, क्या होता है अंडरराइटिंग? मर्चेंट बैंकर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के दिन इशू ऑफ शेयर करने वाली कंपनी को गारंटी देता है कि जब IPO आएगा, खुलेगा, अगर वो सब्सक्राइब नहीं हुआ, लोगों ने उसमें पैसा नहीं लगाया, तो वो लगाएगा, वो रिस्क उठाएगा, बदले में वो क्या लेगा? कमीशन। मतलब वो रिस्क उठाता है कि अगर आपका पैसा पब्लिक ने नहीं लगाया तो जितना कम लगा है उतने में पैसा हम लगाएंगे और बदले में हम उस काम के क्या लेंगे? कमीशन। तो अंडररराइटर भी एक फैसिलिटी है जो मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करता है। फिर आगे जाकर एक टॉपिक और आ रहा है कि अभी भारत में क्या क्या इस चीज़ के क्या हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं। देखिए मैं थोड़े से नाम बोल देता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं मर्चेंट बैंकिंग को लेकर। सेटिंग अप ऑफ अ बैंक सब्सिडरीज, अब बैंकों ने अपनी डिवीजन बना दी। मैंने क्या नाम लिया था? SBI ने बनाई SBI कैपिटल मार्केट, पंजाब नेशनल बैंक ने बनाई पंजाब नेशनल बैंक कैपिटल सर्विसेज। तो आपके पास दो एग्जांपल हो गए, SBI ने एक डिवीज़न बनाया, पंजाब नेशनल बैंक ने डिवीज़न बनाया। काय का डिवीज़न बनाया? मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज के लिए। फिर अगला है रिकॉग्नाइजिंग द प्राइवेट फर्म्स। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको एक बढ़िया नाम बोला था, JM फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि पहला क्या लिखा, सेटिंग अप ऑफ अ बैंक सब्सिडरी मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक यूनिट हो गई, पंजाब नेशनल बैंक की एक यूनिट हो गई, यूनिट मतलब उसका डिवीज़न। रिकॉग्नाइजिंग द प्राइवेट फर्म्स, क्या होती है प्राइवेट फर्म्स? जो निजी लेवल पे काम करती है, उसका पहला नाम क्या है? JM फाइनेंशियल। एक और है LKP मर्चेंट फाइनेंसिंग, पर आप JM फाइनेंशियल याद रख के जाइएगा। अगला लिखा है सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो पता ही है सेबी, सेबी के बारे में सब जानते हैं। सेबी 1988 में लाए थे, 1992 में इनेक्ट हुआ, इसने काम करना शुरू करा। सेबी क्या है? गवर्निंग बॉडी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट में होने वाले सारे अफेयर्स को कंट्रोल करती है, इशू से लेकर उसके लिस्टिंग तक, लिस्टिंग के बाद के नियमों तक, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने तक सारे काम, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे मर्चेंट बैंकर हो, चाहे फाइनेंस रिलेटेड कोई सी भी पार्टी हो, बैंक्स हो, उनको सब गवर्न करने का नाम और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? सेबी। ठीक है, इसको पढ़िएगा। डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया DFHI, DFHI नाम का भी एक इंस्टीट्यूशन हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, DFHI वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। DFHI मेनली डील्स इन कमर्शियल बिल्स, एक टर्म होती कमर्शियल पेपर्स, वो आप नहीं जानते समझा देता हूँ। हम पैसा नहीं लगाते हैं, पर 5 लाख रुपए के मल्टीपल में, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, बड़े बिजनेस हाउस जब इसमें पैसा लगाते हैं तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो उसमें इसकी मदद करता है, उसका नाम क्या है? DFHI। लास्ट लिखा है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका काम क्या है? इसका काम है टू टेक केयर ऑफ द डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ द सिक्योरिटीज विच अफेक्ट द कैपिटल मार्केट। मतलब शेयर बिक गए, उनका पैसा आ गया, वो सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? ये करता है। तो एक क्विक रिविज़न मार देते हैं। पहला मर्चेंट बैंकर कौन है? कंसल्टेंट है, एडवाइज़र है, अंडर राइटर है, को मैनेजर है और इशू मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करता है। कौन कौन है? नाम आपके सामने है, 4 नाम फिर से, सिटी बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, इसके अलावा TCS। मर्चेंट बैंकिंग के बेसिक 3-4 काम क्या है? काउंसलिंग का काम है, प्रोजेक्ट काउंसलिंग का काम है, लोन सिंडिकेशन का काम है,
वेंचर कैपिटल का काम है, इसके अलावा वो क्या है, उसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी, तो उसको लाइसेंसिंग के नियम पूरे करना है, कैपिटल एडिक्वेसी के ये वाले नियम पूरे करना है, प्रूडेंशियल रेगुलेशन जो नियम है उससे परे जाके वो काम नहीं कर सकता, वो श्योर करना है, कंप्लायंस करना है जितने भी आईपीओ के, और लास्ट में है कंसर्निंग जो अथॉरिटीज़ है उनको रिपोर्ट करना है। फिर मैं आपके पास आया मर्चेंट बैंकिंग के अलग अलग डिविजन्स के बारे में, फॉरेन बैंक में कौन है, सिटी बैंक है, इंडियन बैंक में कौन है, SBI है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसमें IDBI है, प्राइवेट बैंकर्स में JB फाइनेंशियल सर्विसेज है, इस तरीके से अपन उसको पढ़ा है, क्या क्या उसके प्राइमरी मार्केट में रोल है, IPO को लेके आना, राइट इशू मैनेज करना, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को मैनेज करना, डेट इशू को मैनेज करना और अंडरराइटर का काम करना। इसके अलावा अभी आज की तारीख में सन 2024 में कोई पूछे कि मर्चेंट बैंकिंग से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, तो अब जवाब देंगे कि अब बैंकों ने अपनी सब्सिडरी बना ली, उसमें दो नाम लिख सकते हैं, SBI की एक यूनिट है, PNB की एक यूनिट है, वो डिवीजन ही काम काय का करता है मर्चेंट बैंकिंग का, प्राइवेट फॉर्म्स में JB का नाम लिया, JB कंसल्टेंसी सर्विसेज का, इसके अलावा आज की तारीख में कौन रेगुलेट करता है, सेबी, फिर क्या लिखा, DFHI डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया जो अपना रोल पूरा करता है, एक है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो शेयर्स की सेल प्रोसीड को मैनेज करता है। कुल मिलाकर इस पूरे चैप्टर को मैंने कवर किया है, फर्स्ट यूनिट में 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी पक्का आएगा, 7 मार्क्स का भी आएगा और 2 का भी आएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, इसके बाद इसके पूरे कंटेंट में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको पढ़ें, कोशिश करें ये वाली बुक ज़रूर लें। देखिए पेपर स्पेसिफिक है, फाइनेंस का है, बुक ले लीजिए ब्रिलियंट की, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट इन दो को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं कि जो पेपर का पैटर्न है आपका वो आप खुद देख लीजिए, सी सेक्शन में सिर्फ 2 क्वेश्चन करना रहते हैं। तो आई वुड से फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को बहुत फोकस करके करिए और इस यूनिट को आप अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।